दोस्तों आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। हम हाइड्रोलिक रिग मशीन से पाइल फाउंडेशन का बोरिंग कैसे किया जाता है और बोरिंग करने से पहले हमें किन किन पॉइंटों पर ध्यान दिया जाता है और एज ए इंजीनियर सुपरवाइजर या फोरमैन हमें चेकिंग क्या क्या चीज़ की एक्यूरेट करना चाहिए ताकि हमारा पाइल फाउंडेशन शिफ्ट ना हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा ये सर्वे मशीन है, आप देख सकते हैं टोटल स्टेशन है हमारा, और ये टोटल स्टेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, टीबीएम से रेफरेंस लेके इसको सेट किया, और इसको सेट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये हम लोगों ने पॉइंट मार्क किया। आप ये देखिए जिस लोकेशन पे हमको बोरिंग करना है हाइड्रोलिक रिग मशीन से, हम लोगों ने क्या किया, ये सर्वे के थ्रू हम लोगों ने इसका कोऑर्डिनेट किया और इसको चेक किया कि हमारा कोऑर्डिनेट एज पर ड्राइंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने अपना पॉइंट को क्लियर कर लिया। पॉइंट क्लियर करने के बाद दोस्तों इसके रेफरेंस के लिए हम लोगों ने ये देखिए हम लोगों ने इसका डायगोनल मार्कर भी चेक किया। तो जैसे हमें इस पॉइंट पे बोरिंग करना है, ठीक है, तो ये देखिए हमने जो दूसरा पॉइंट है उससे भी हमने रेफरेंस करके ले लिया, यहां से 2 मीटर ये ले लिया और इसको ये ना। तो उससे कहां डायगोनल आएगा, ये देखिए हमने इससे भी 2 मीटर का रेफरेंस पॉइंट यहां लिया। अब इसका डायगोनल चेक करेंगे, दोस्तों ये देखिए 2x2 का जो हमारा डायगोनल मिला है कितना मिला, 2.8 मीटर, कितना मिला 2.8। तो हमने जो सर्वे से भी कर लिया और फिजिकल भी ग्राउंड में हमने चेक कर लिया कि जो हमारा पाइल का जो लोकेशन है वो सही है। दोस्तों इस बोर करने से पहले हम आपको थोड़ा सा रिग मशीन के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो ये हमारा हाइड्रोलिक रिग मशीन है, जैसे हम लोग इसको कई जगह आगर बोलते हैं या पाना बोलते हैं या इसको आप दांता बोलते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग लैंग्वेज से इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा दांता होते हैं या ऑगर होता है, इसका पर्पज़ क्या होता है, रोटरी फॉर्म में हम लोग सॉयल को कटिंग करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग जो हमारा यहाँ पे पाइल है, पाइल का जो हमारा डाया है वो 600 mm है, ठीक है, यानी 600 mm हमारा हो गया दोस्तों। तो हमारा जो ये आगर का डाया है ये भी हमारा नियर अबाउट कितना है, 10-15 mm हमारा कम ही होता है, क्योंकि वो रोटरी जब हम उसको रोटेट करके काटते हैं तो ये जैसे हम इसका यदि मेजर करते हैं तो कितना मिलेगा, 590 के आसपास हमको इसका डाया मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये दांता का पर्पज़ क्या है, मिट्टी को काटना है। दोस्तों जब हम मशीन को शिफ्ट करते हैं तो मशीन में भी हमारा क्या होता है, कितना मीटर, ये हाइड्रोलिक मशीन जो है ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें हमारा कितना रोटेशन से रोटेट हो रहा है और हमारा लेवल मशीन का लेवल है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, जैसे कि हमारा रिग मशीन है, हम पहले आपको रिग मशीन के बारे में बताते हैं फिर इसका बोरिंग के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारा मशीन है ये सनी की है और ये है SR-155। इसका मतलब दोस्तों यदि हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो यदि हम इसकी बोरिंग की बात करते हैं दोस्तों तो ये कितना गहराई तक कर सकता है, 45 मीटर तक, और ये मैक्सिमम डाया कितना, 1500 डाया तक का ये हमारा 1500 डाया का बोर और 45 मीटर नीचे तक कर सकता है। और दूसरा चीज़ों, इसको स्टार्ट करने से पहले इस मशीन का हमें लेवल भी देखना होता है कि हमारा लेवल प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा मशीन का जो है, ये आप देखिए ये लेवल गेज है, इससे आपको पता चलता है कि हमारा मशीन जो है ये लेवल में है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा चीज़ ये जो हमारा आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्प्ले बोर्ड है दोस्तों। इसमें हमारे अलग अलग पार्ट है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमारा कितना हुआ ये शो करता है, कितना डीप्थ हुआ है, और इसमें ये आपका देख लीजिए पाइल का लोकेशन शिफ्ट कर रहा है कि पाइल में हमारा मतलब सेंटर में है कि नहीं है। तो दोस्तों हम बोर स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसका डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ें शो कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ये सेंटर मार्क किए और ये आगर से हम लोग कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बोरिंग का वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग केशिंग लगाने के लिए रिग मशीन से कुछ इस प्रकार का, ये हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इससे बोर करेंगे। बोर करने के बाद टेम्परेरी केसिंग, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी ड्राइविंग केशिंग, इसको लगाते हैं ताकि उसको लगाने से क्या है, हम लोग वर्टिकलिटी और हॉरिजेंटली दोनों चेक करते हैं ताकि हमारा पाइल जो है ना वर्टिकल जो उसका वर्टिकलिटी है वो डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए हम लोग टेम्परेरी केसिंग लगाते हैं और उसको उसका भी अलाइनमेंट करते हैं बोरिंग से पहले।
दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार हम लोग टेम्परेरी केशिंग को जो है रिग के द्वारा शिफ्ट करते हैं और इसको फिक्स करते हैं और इसका अलाइनमेंट चेक करते हैं। तो दोस्तों इसको लगाने का हम आपको प्रोसेस दिखा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से हम लोग केशिंग अलाइनमेंट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट से उसको मेजरमेंट करते हैं। आराम से नीचे लेके जो नीचे तो दोस्तों केसिंग का वर्टिकलिटी चेक करने के लिए आप देख सकते हैं हम लोग इस प्रकार स्पीड लेवल चेक करते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लेवल इसका इस केशिंग का जो है ना लेवल चेक करते हैं ताकि ये हमारा टेढ़ा ना हो, क्योंकि यदि ये टेढ़ा हो गया हमारा केशिंग तो हमारा वोल की वर्टिकलिटी भी टेढ़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं स्पीड लेवल से केसिंग का लेवल चेक करते हैं, उसके बाद ही केसिंग को अंदर करते हैं। जो ये हमारा केसिंग है ये हमारा कितना है 3.5 मीटर का। स्पीड लेवल से ऑलरेडी लेवल चेक करते हुए अब देख सकते हैं रेफरेंस पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं केसिंग की डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। इसका पर्पज़ है जो हमारा केसिंग पॉइंट है वो सही लोकेशन पे होना चाहिए और हमारा केसिंग का जो वर्टिकलिटी है ये भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। एनीवे हमारा पाइल जो है टिल्ड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस प्रकार से कुछ हम केशिंग लगाते हैं बोरिंग से पहले। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोग 3.5 मीटर का जो हमारा केशिंग था इसको हम लोगों ने फिक्स किया और फिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसको चारों तरफ से हम लोग थोड़ा सा सोयल से दबा देंगे ताकि पानी इसके अंदर ना जाए या जो हम बेंटोनाइट यूज़ करेंगे वो अंदर ना जाए। इसके बाद इसकी बोरिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इस प्रकार से केशिंग हमारा फिट हो गया, पॉइंट भी हमारा फिक्स हो गया और ये बोरिंग हम लोग कुछ इस प्रकार से हाइड्रोलिक रिग मशीन से करते हैं। दोस्तों एक पॉइंट और आपको हम बताना चाहते हैं, एक्चुअली में क्या होता है जनरली हम लोगों को हाइड्रोलिक रिग मशीन में बेंटोनाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती बोरिंग के टाइम में, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में क्या है हमारा जो सोयल है ये सैंडी सोयल है और ये कोलेप्स हो रहा है, इसलिए हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं बेंटोनाइट के साथ बोरिंग कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा बेंटोनाइट का पाइप है जो कि हमारा ये बेंटोनाइट का टैंक है। ये देखिए ये हमारा बेंटोनाइट का टैंक है जिसका डेंसिटी हम लोगों ने अभी मेज़र किया और 1.08 के आसपास मिल रही है और बोरिंग के टाइम में हम लोग इसको फुल नहीं भरते हैं, इसको ऊपर से आधा मीटर नीचे ही रखेंगे ताकि जो हम बोर करते हैं तो कटिंग के टाइम में क्या हो हमारा बेंटोनाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए और जो हमारा कोलेप्स के चांसेस हैं वो थोड़ा कम हो जाए। जो हमारा बेंटोनाइट का पर्पज़ है वो इसमें यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा जो सैंडी सॉयल है वो कोलेप्स ना हो। कुछ इस प्रकार से दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पाइल का बोरिंग चल रहा है जो कि हमारा पाइल का यदि हम डाया की बात करते हैं दोस्तों तो हमारा डाया कितना है 600 mm है
और यदि हम डीप्थ की बात करते हैं दोस्तों, फाइल की बोरिंग का जो डीप्थ है ये हमारा कितना है, ये 27 मीटर है। इसलिए हम लोग किससे कर रहे हैं, अपना जो हाइड्रोलिक रिग मशीन है इससे कर रहे हैं, जैसे कि आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। और एक दूसरा जो हमारा रिग मशीन है आप देख सकते हैं दूसरे पोजिशन पर लग रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग रिग मशीन से जब भी बोरिंग करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट, पाइल का मार्किंग, लेवल मशीन, और यदि हमारा सोयल कोलेप्स हो रहा है तो हमको बेंटोनाइट का यूज़ करना है। एनीवे हमारा जो हाइड्रोलिक रिग मशीन होता है इसमें बेंटोनाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें कब होती है, जब हम कंक्रीट करने के लिए फ्लशिंग करते हैं उस टाइम हमारा बेंटोनाइट की रिक्वायरमेंट होती है, बोरिंग के टाइम में नहीं होती है। बट हमारा यहाँ पे सोयल जो है कोलेप्स हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, विथ बेंटोनाइट के साथ बोरिंग स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमारा सोयल जो है कोलेप्स ना हो। और बेंटोनाइट का पर्पस भी है क्या है, जो हमारा सोयल कोलेप्स होता है उसके अंदर बोर के अंदर जाके एक पेस्ट टाइप का तैयार होता है जिससे वो कोलेप्स होने से पाइल को रोकता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोग हाइड्रोलिक रेक मशीन से बोरिंग करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम आपको अब देखिए ये दिखा रहे हैं, ये हमारा सेंटर है और ये आप देख सकते हैं ये कितना हमारा हो गया 6.06, यानी इतना हमारा जो बोर है ये ऑलरेडी डीप हो गया है। ये आपको ऑलरेडी हमारा डिस्प्ले बोर्ड में दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा देख सकते हैं ये बोरिंग का दिखा रहा है, जो हमारा केली अंदर जा रहा है उसको आपको शो कर रहा है इसमें ऑलरेडी, आप देख सकते हैं हमारे डिस्प्ले बोर्ड में। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोग जब बोरिंग करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जैसे हमने आपको अरेंजमेंट दिखाया, बोरिंग करने से पहले हमें जो हमारा पॉइंट होता है उसको चेक करना है, फिर हमारा रिग मशीन जो होता है हाइड्रोलिक रिग मशीन इसका हमको लेवल चेक करना होता है, रेफरेंस पॉइंट से भी हम लोग एक क्रॉस चेक कर लेते हैं, और यदि हमारा सोयल कोलेप्स हो रहा है तो हम बेंटोनाइट यूज़ करते हैं, नहीं तो हम कब यूज़ करते हैं, फ्लशिंग के टाइम में, ताकि जो हमारे फाइन पार्टिकल अंदर होते हैं पाइल में वो प्रॉपर तरीके से रिमूव हो सके और हम उसकी कॉन्क्रीट कर सके। तो दोस्तों हमने आपको सारा अरेंजमेंट और हाइड्रोलिक रिग मशीन से कैसे बोरिंग किया जाता है पाइल का उसके बारे में बताएं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन जो भी है हम आपके साथ आगे भी शेयर कर सकें इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय और अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।